अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, वेरी नाइस। आज आपको पता है, आज मैं आपके लिए एक बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये क्या है मेरे हाथ में? व्हाट इज दिस? This is a ball. This is a ball. आपके पास ball है घर में? ये देखिए ball. इस तरह की ball है आपके पास? आपके पास बहुत सारी balls होंगी, colorful balls होंगी, right? आप उससे क्या करते हैं? खेलते हैं। क्या खेलते हैं? Bat ball. Yes, cricket खेलते हैं आप लोग। और क्या करते हैं? थ्रो करते हैं बॉल्स को। थ्रोइंग के काम आती है बॉल। और फिर हमें क्या होता है? मजा आता है। हमें मजा किस चीज में आता है? थ्रो करने में भी और कैच करने में भी, राइट? अब आपने कभी सोचा है कि इस बॉल का शेप कौन सा है? कभी आपने सोचा है? आपने गौर से देखी है बॉल? भाई, जब आप इसे हाथ में लेते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? ये आपको कैसी लगती है? पूरी राउंड एंड राउंड। आपने देखा है? देखिए, पूरी तरह से राउंड एंड राउंड है ये। कोई एजेस नहीं है इसका, कोई कॉर्नर नहीं है। हम चाहे यहां से देखें ये हमें राउंड नजर आ रही है, चाहे हम यहां से देखें ये हमें हर तरफ से राउंड नजर आ रही है, राइट? तो भाई, हम इस शेप को क्या कहते हैं? हम इसे स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेयर। स्फेयर। से विद मी, स्फेयर। वन मोर टाइम, स्फेयर। वेरी गुड। आपको पता है ये सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप कौन से होते हैं? सॉलिड शेप वो शेप्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने इन शेप्स को बनाया है। इसकी एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलती है? क्रिएचर में हमें कहाँ मिलती है इसकी एग्जाम्पल? चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने सन देखा है? सन पूरा बड़ा सा स्फेयर शेप में होता है, राइट? और इसके अलावा आपने मून देखा है? पूरा, जब वो 14th को आपने देखा है, 14th डेट होती है, तो तब वो मून पूरा राउंड हो जाता है। तो ये शेप एक ऐसा शेप है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, नेचुरली अकरिंग शेप है, ठीक है? तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड शेप्स। जो नेचुरली अकरिंग शेप्स होते हैं हम उन्हें सॉलिड शेप्स कहते हैं। कौन से शेप्स होते हैं? सॉलिड शेप्स। रीड विद मी, सॉलिड शेप्स। वन मोर टाइम, सॉलिड शेप्स। वेरी गुड। सॉलिड शेप्स में बहुत सारे शेप्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। उनमें नंबर वन इज स्फेयर, ठीक है? आज हम देखते हैं कि हमारे पास स्फेयर शेप में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। भाई ये देखें, ये क्या है? अनियन। यस, अनियन। अनियन का शेप क्या है? क्योंकि ये देखें, ये पूरी राउंड एंड राउंड है। पूरी राउंड एंड राउंड है। यहां से भी देखें तो ये हमें राउंड नजर आ रही है। इस तरह से हम देखेंगे तब भी हमें राउंड नजर आ रही है, ठीक है? तो हम इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज स्फेयर। दिस इज स्फेयर। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपने बलून देखा है? आप सबका फेवरेट है ना बलून का कौन सा शेप है? जब हम उसमें
हवा भरते हैं तो वो किस शेप में बन जाता है? स्फेयर। यस, वो पूरा स्फेयर शेप में बन जाता है। देयर इज नो एजेस नो कॉर्नर इन द बलून, सेम लाइक अ बॉल। यस, तो बलून का कौन सा शेप है? स्फेयर। और आपको पता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की है स्फेयर शेप में? सोचिए सोचिए। ऑरेंज। यस, आपने ऑरेंज देखा है कितना जूसी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को भी पसंद है? मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद है। अब जब भी ऑरेंजेस आएंगे तो आप देखिएगा उसका क्या शेप है, ठीक है? उसका शेप कौन सा है? स्फीयर। क्योंकि ऑरेंजेस हैं, एप्पल हैं, ये किस शेप के हैं? राउंड एंड राउंड हैं, पूरे राउंड एंड राउंड हैं। हम उन्हें किसी भी तरह से देख लें, वो हमें पूरे राउंड नजर आते हैं। यस, अब आप अपनी बुक खोलिएगा, उस बुक में पेज नंबर 4 आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। ये देखें, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहे हैं? आपको बलून्स नजर आ रहे हैं। और क्या नजर आ रहा है? ऑरेंजेस नजर आ रहे हैं। इन सबका कौन सा शेप है? स्फीयर। यस, स्फीयर। से विद मी, स्फीयर। और आपने देखा बलून किसके हाथ में है? किटन के हाथ में है। और अहमद क्या कर रहे हैं? अहमद अपने टॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं। और जेब्रा क्या कर रहे हैं? जेब्रा के हाथ में है मार्बल्स, छोटे छोटे स्फेयर शेप के मार्बल्स हैं उनके हाथ में, और वो अहमद को मार्बल्स दे रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पर ऑरेंजेस भी रखे हुए हैं एक बुक में। प्यारे बच्चों, हमें स्फेयर शेप की बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं इस शेप, इस पिक्चर में। इस पिक्चर की एक स्टोरी भी है। आपको पता है इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि अहमद क्या कर रहे हैं और किटन क्या कर रहे हैं और जेब्रा अहमद को मार्बल्स क्यों दे रहे हैं। आपको पता है आपने क्या करना है? आज मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगी कि आपने अपने पूरे घर में सर्च करना है कि आपके घर में कौन कौन सी स्फेयर शेप्स की चीजें हैं, ठीक है? आप ढूंढिएगा कि आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं जिनका शेप स्फेयर है, जो कि पूरी तरीके से राउंड एंड राउंड है। यस, और फिर आपने उसे अपनी टीचर को शो करना है, ठीक है? आप अपनी टीचर को बताएंगे कि दिस इज स्फेयर, दिस इज स्फेयर, इट इज सॉलिड इन शेप एंड दिस इज कॉल्ड स्फेयर, ठीक है? आपने ये सब कुछ पूरा टास्क आपने करना है। और क्या करना है आपने? आपने इस पिक्चर में जो भी आपको स्फेयर थिंग्स नजर आ रही हैं उसमें आपने कलरिंग करना है, ठीक है? आपने, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, आप अपना होमवर्क टीचर के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।